नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। रामनवमी का पावन पर्व आज देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग तपस्या इसी के साथ ही संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। जम्मू कश्मीर में कठुआ में बुधवार शाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हीरानगर सेक्टर में तेज धमाके की आवाज आई, जिसके बाद सीमावर्ती गांव में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि मुझे इसे सुनते ही गांव में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह एक जिंदा ग्रेनेड खेतों में मिला है, तो वहीं संवेदनशील इलाका होने की वजह से मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये एक IED विस्फोटक था। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के किराड़पुर इलाके में बुधवार रात दो गुटों के बीच झड़प हो गई। लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया और राम मंदिर के बाहर कई वाहनों में आग लगाती गई। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस का बल का प्रयोग करना पड़ा और इसी के साथ ही स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। अमरपाल सिंह केस में 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद पंजाब पुलिस ने अकाल तख्त को सफाई दी है। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन अमरपाल के दौरान हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए 360 युवाओं में 348 को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अकाल तख्त को दिए गए जवाब में पुलिस ने यह भी बताया है कि सिर्फ 12 लोग ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले हैं और सख्त धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। अपनी बात को दमदार तरीके से रखने के लिए ममता बनर्जी एक वॉशिंग मशीन को लेकर मंच पर आई थी। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बीते कुछ दिनों से पोस्टर वॉर चल रही है और इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास नए पोस्टर लगे दिखे। इन पोस्टरों पर लिखा है कि क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए। पोस्टर में नाम भले ही ना लिख गया हो, लेकिन साफ हो जाता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाले हैं। फरुखाबाद में दबंगों ने 9 साल मासूम को तालिबानी सजा देते हुए पेड़ में रस्सी से बांधकर डंडों से जमकर पीटा, जिससे कि मासूम के शरीर पर काफी चोटें आई हैं। मासूम का खेत में बंधे पड़े होने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहीं परिजनों की जानकारी देते हुए बात देर रात मासूम को दबंगों के चंगुल से छुड़ाया। और वहीं हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में प्रधानी की रंजिश के को लेकर युवक को हथियार के बल पर बंधक बनाने का मामला सामने आया है। दबंगों द्वारा युवक को बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसको फांसी पर लटकाने का भी प्रयास किया गया। आगरा में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में बाबा साहब वाहिनी बनाकर दलित वोट को पक्ष में करने के सवाल पर कहा कि अखिलेश यादव दलित विरोधी है। कन्नौज मेडिकल कॉलेज बाबा साहब के नाम पर था, सपा की सरकार बनते ही नाम बदल दिया गया। झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा वंदे भारत ट्रेन का संचालन हबीबगंज से नई दिल्ली के बीच प्रारंभ किया जा रहा है। ट्रेन का ठहराव झांसी स्टेशन किए जाने की मांग को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल DRM आशुतोष से मिला और उन्हें महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे के नाम संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। संतकबीरनगर में बिजली की चिंगारी गिरने से 40 बीघा फसल जलकर खाक हो गई, तो वहीं गेहूं की फसल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। आरोप है कि सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। कहा जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन किसानों की गेहूं की फसल जलकर कल राख हो चुकी है। रायबरेली में सूदखोर गरीबों का खून चूस रहे हैं। गरीब अनपढ़ असहाय लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर लोग लोन दिलाने के नाम पर ब्याज पर 20% पर पैसे देकर उनकी बेशकीमती जमीन को हथियाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि ब्याज पर पैसे देने के लिए बकायदा रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। झांसी में नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े वो करेंगे, ये भरोसा दिया है झांसी के सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भूजला ने। आपको बता दें कि उन्होंने जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झांसी पहुंचकर पत्रकारों से मुलाकात की। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले शहजाद कुरैशी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र पर के माध्यम से बताया कि वो जिला पंचायत में मृत पशुओं को उठाने का काम कर रहा है। अलाउद्दीन कुरैशी और इसी के साथ ही उनके साथी आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील इलाके में मोहल्ला साहूकारा लाइन पार में काफी पुरानी सती मठिया है। आपको बता दें कि जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, काफी लोगों का वहां से आवागमन भी होता है और सती मठिया मुस्लिम युवक की जमीन बनी है। साल में एक बार होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है।
झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों हुई डकैती कांड में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार सहित डकैती और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया है। संस्कार भारती झांसी के सहयोग से लोक जनजाति कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित भजन संध्या का आयोजन चांदमारी हनुमान मंदिर परिसर में सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी रहे। औरैया में ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, तो वहीं हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर लगने से ऑटो सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी के हरकिशन कॉलेज के पास सपापुर पार्षद गुलशन यादव द्वारा 90 लाख की जमीन पर दबंगई कर कब्जा किए जाने का मामला सामने निकल कर आया है, जिसे प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। अमेठी में जिले में स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल को कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, जिससे कि मरीजों को अब मोबाइल फोन पर जांच रिपोर्ट मिलेगी। इसके साथ ही जिला अस्पताल में स्थिति पैथोलॉजी पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हो चुकी है। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ।